डिवाइन फिश सी फूड का बहुत इम्पोर्टेंट, फिश और सी फूड की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज। ये जो रोटी होती है पापड़ जैसी क्रिस्प रहती है। देखिए आप, कैन आई हेल्प यू? या ओनली फॉर द थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं मैं। पूछो क्यों थक गया हूं मैं? क्योंकि 2-3 महीने से मैं वेजिटेरियन खा रहा हूँ, उपवास का खाना खा रहा हूँ, श्रावण का खाना खा रहा हूँ, ओनम का खाना खा रहा हूँ, गणपति का खाना खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ, लल्ली खा रहा हूँ, लेकिन क्रैब, क्लैम, तिसरा, फिश, लॉबस्टर, सी फूड नहीं खाया। तो मैं बम्बई के बांद्रा में आया हूँ, जहाँ फेरी वॉफ करके एक सी फूड रेस्टोरेंट है, फैंटास्टिक सी फूड। तो चलो अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि खाने में क्या है। मैं फेरी वॉफ के किचन के अंदर आ चुका हूँ। अभी फेरी वॉफ के ओनर है शनाया शेट्टी और उनकी डॉटर मेरे साथ है सनिका। लेकिन सनिका कॉर्डो ब्लू शेफ है लंदन से, और हमें सनिका सिखाने वाली है, मेरा स और श सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, सिखाने वाली है क्लैम्स। तो आप क्या बना रही है? क्लैम्स कोशिम बिल? ये कॉडोब्लो में सीखा आपने? नहीं। या 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 ना नो 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 इट्स अ वेरी महाराष्ट्रियन डेलिकेसी, तो मैं वो करने वाली हूं। तो थोड़ा फेरी वॉफ के बारे में बात करते हैं। हां, फेरी वॉफ में सी फूड पे एक क्या कहते हैं, प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, लेकिन अलग-अलग क्विजींस है यहां। सो देयर महाराष्ट्रियन एंड मैंगलोरियन सी फूड, लाइक मेनली दैट्स व्हाट वी सर्व एंड अच्छा वही बनाते हैं। तो महाराष्ट्र साइड क्लैम्स को मराठी में कहते हैं तिसरा। हाँ, और मुझे तिसरा ये चीज़ बहुत 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 पसंद है। तो करते हैं क्लैम्स कोशिंबीर, फैंटास्टिक। चलो शुरू करते हैं। इसमें कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज एंड अनियन, कांदा डाला है। अच्छा, प्याज कहते हैं। तो ये जो रेसिपी है इसमें गार्लिक जिंजर होता है या नहीं होता? होता है, वो चटनी में अदरक को ऐड लेते हो। ओके, उसमें होता है। ओके, अभी मैं उसमें मैं आपको करता हूँ मदद। कहिए क्या डालूं मैं अभी इसमें? ये टमाटर, इसको भी थोड़ा टाइम कुक करना है। कुक करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अलग अलग चटनियाँ लगती है ये? तो ये 3 टाइप का कोकोनट का पेस्ट है। ओके, ये फ्रेश कोकोनट का है। हाँ, दिस इज ड्राइड कोकोनट। ड्राइड कोकोनट एंड दिस इज अ फ्रेश कोकोनट दैट्स कुक्ड विद हल्दी एंड इट्स बीन रोस्टेड फॉर सम टाइम। हाँ, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। हां, अभी मैं इसका एक 1 स्पून ये कुक्ड कोकोनट विद हल्दी, 1 स्पून ऑफ द फ्रेश कोकोनट, 1 spoon of fresh coconut. And this is the dried coconut. So, 3 किस्म के कोकोनट पेस्ट जाते हैं इसमें। थोड़ा कुक करना, because वो already cooked है। Cooked है। Cooked है। Okay. Okay. So now this is the adding. Yes. So ये green masala है, जिसमें coriander and your garlic. Green chili? Green chilies and paste. And ginger. And ginger.
This is a Malwani masala, which has like 14 spices, and all 14 are like roasted at different temperatures. Okay. And then it's all blended together. Okay. And now I'm adding like a little bit of coconut milk. Freshly squeezed coconut. Oh, nice. अभी जब तक ये रेडी होता है मैं देख रहा था कि ये क्लैम्स आपने इन उबाल के हल्दी के साथ उबाला तो ये क्लैम्स जो है दीज आर द तिसरा द क्लैम्स दे हैव बीन बॉइल्ड विद हल्दी इन दैट करेक्ट I did not know this, sir. Yeah. So, like how, like areas, like every 50 kilometers, the cuisine changes. Changes and the curries change. And the curries change. Like Goa is like a mix of both. Yeah. And like Mangalore is completely red chilies and Maharashtra. And the souring agent changes, doesn't it? Yeah, it does. So that's tamarind in Mangalore, and over here is like kokum. Kokum. And now I'm gonna add the clams. Come on, can I help you? Yeah. Only for the Salty, so you don't have to add a lot of salt. Salt to it. Yeah. Yeah, I noticed we didn't put salt. Yeah. You can get the salt from the sea directly. Yeah. Right? This is and done? Just a little bit of salt. Just to taste. Yeah. Oh, fantastic. So once it's done, I'm just adding 2 pieces of kokum. Okay, kokum. And if you leave kokum in for too long, it gets bitter. So that goes like right at the end. Okay, so you don't cook it with kokum, you just put it at the end. Yeah. So clam kushimbir is ready. Bas. सर्व करना है और खाना है जैसे कि मेरे सामने पूरा समंदर ही है इस टेबल पे बहुत सारा सी फूड है अलग अलग स्टाइल में बनाया हुआ सी फूड है और इतना सारा सी फूड है तो एक असली मैंगलोरियन डिश की ज़रूरत है जो सी फूड नहीं है तो कोरी रोटी चिकन एंड ये जो रोटी होती है मैंगलोरियन स्टाइल क्रिस्प मैं आपको सिखाऊंगा कैसे खाते हैं इसे शुरू करते हैं क्लैम्स से क्योंकि क्लैम्स हमने बनाए थे और मैं बहुत प्यार से और बहुत धीरे धीरे खाने वाला हूँ चलो भाकरी भी है पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे ये तीसरे आया क्लैम्स बहुत पसंद है हर किस्म के जिन लोगों ने क्लैम्स नहीं खाए या खाए हैं और पसंद नहीं है ये रेसिपी आपके लिए है क्योंकि इसमें कोकोनट का जबरदस्त फ्लेवर है आपको याद है 3 किस्म के कोकोनट हमने इसमें यूज किए हैं ग्रीन चिली स्पाइसी ग्रीन चिली का फ्लेवर है और एक क्रंचीनेस है जो जैसे मैं खा रहा हूँ मेरे दांत के नीचे अनियन का क्रंच आ रहा है कोकोनट का क्रंच आ रहा है और क्रंच का मतलब है फ्रेशनेस पहले तो कोकोनट का फ्लेवर आता है फिर वो जो ग्रीन चिली और ग्रीन चिली पेस्ट है उसको ऐसे हाँ ब्यूटीफुल है ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये क्लैम कैसे दिखता है ये देखो ये क्लैम है क्लैम का फ्लैश है ये स्लाइटली चुई रहता है लेकिन बहुत डिलीशियस होता है इसके बाद पॉम्फ्रिट
फ्रेश फिश, फ्रेश है, सॉफ्ट है, गार्लिक ही है, लहसुन का एक स्वाद है इसमें, और क्योंकि तंदूर में डाला है स्मोकी है। अभी क्या खाएं क्या खाएं, क्रैब खाएं। क्योंकि ये शेल किया हुआ है, सिर्फ क्रैब फ्लैश है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही खाता हूँ। अच्छी क्रैब जो होती है वो हमेशा थोड़ी स्वीट होती है। ये क्रैब स्वीट है, ये स्वीट क्रैब का स्वीटनेस, उसमें गार्लिक यानी लहसुन का तड़का, पेपर और फिर बटर का रिचनेस। आह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब ये बोंबिल का है, बोंबिल ये बम्बई की फेवरेट डिश है। बोंबिल ये फिश जो होता है उसमें इसके जो बोन्स होते हैं वो एकदम बालों जैसे थिन होते हैं, उसका फ्लेश जो होता है वो स्लाइटली जेली जैसा होता है, और इट्स अ वेरी वॉबली फिश इफ आई मे कॉल इट दैट। इस उसके अंदर प्रॉन्स डाल के उसे स्टफ किया है। चलो ट्राई करते हैं। मसालों का तड़का, श्रिम्प फ्राइड और बोंबिल, लवली। अभी मैं लेता हूं ये सॉफ्ट शेल क्रैब। सॉफ्ट शेल क्रैब का मतलब यह है कि आप शेल भी खा सकते हो। ये एशिया में बहुत बड़ी डेलिकेसी है, इंडिया में इतना नहीं होता, लेकिन ये जो प्रेपरेशन है वो इंडियन है। शेल हमेशा क्रंची होती है, मसाले लाइट है, ओवरपावरिंग नहीं है। पम्पकिन एक बहुत ही अच्छा मीडियम है मसालों को लेकर जाने को, और ये क्रैब के साथ बहुत अच्छा। अभी बच गए दो ये मेन डिशेस और लॉबस्टर। बड़ा लॉबस्टर, लॉबस्टर। लोग कभी कभी पूछते हैं कि लॉबस्टर और प्रॉन में क्या फ़र्क है। अभी आप सोचोगे कि बड़ा जो प्रॉन होता है वो भी लॉबस्टर के जैसे ही टेस्ट होता है, क्योंकि लॉबस्टर का एक अलग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। इस फ्लेवर को जब आप तंदूरी मसालों में डालते हो और फिर तंदूर में पकाते हो ना, हमारे इंडियन फूड जैसा कुछ नहीं, तंदूर जैसा कुछ नहीं, मसालों जैसा कुछ नहीं। अभी प्रॉन गासी। गस्सी के साथ नीरलोसा, गस्सी की जो ग्रेवी होती है वो एक रिफाइंड ग्रेवी होती है, होनी चाहिए। कोकोनट की ग्रेवी होती है, लेकिन ये कोकोनट की का जो हार्शनेस है
वो इस पे नहीं होना चाहिए और इस पे नहीं है। मसालों का मिश्रण जो है वो बहुत ही स्मूथ है और ज़्यादा तीखा भी नहीं है, गले को लगता भी नहीं है, जस्ट ये लाइट फ्लफी। ब्यूटिफुल, ओहो हो, इवन राइस के साथ बहुत अच्छा लगता था। सी फूड तो हो गया, लेकिन क्योंकि ये रेस्टोरेंट मैंगलोरियंस का है तो एक मैंगलोरियन चिकन डिश है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसको कहते हैं कोरी रोटी। ये जो रोटी होती है पापड़ जैसी क्रिस्प रहती है, देखिए आप उसे प्लेट में डालते हैं और ऐसे उसको क्रश करते हैं, फिर ये जो चिकन है कोकोनट बेस्ड करी की चिकन उसके ऊपर ऐसे डालते हैं, फिर उसका ग्रेवी डालते हैं इस पर और थोड़ा ग्रेवी डालते हैं और थोड़ा ग्रेवी डालते हैं, उंगलियों से इसे मिक्स करते हैं ऐसे ऐसे, तब तक जब तक ये रोटी नरम ना हो जाए। थोड़ा सा चिकन, थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी ग्रेवी और बहुत सारा एपेटाइट। क्या कहूँ, बहुत अच्छा। मैं जब भी ऐसा खाना खाता हूँ मुझे इंडियन फूड के बारे में इतना प्राइड होता है, आप जानते नहीं। थोड़ा सा ये खाते हैं और ख़त्म करते हैं ना, बहुत हो गया खाना, मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। आहा, तो ये था मेरा सी फूड बैंक्वेट, मन की ख्वाहिश जो लास्ट 2-3 महीनों से मैं मिस कर रहा था, आज मेरी मन की ख्वाहिश पूरी हो गई। इतना सारा सी फूड खाके मुझे लगता है आप भी खुश हो गए होंगे। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है, 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 क्या है। नाइस, गुड ना, बट लुक दिस फैंटास्टिक, दिस सी फूड, द लॉबस्टर, नो नो, आई एम डन, यू आर मेकिंग मी फैटर एंड फैटर, व्हाट आर यू डूइंग टू मी। आज सूप खा सकता है यार। देख क्या होता है ना, क्रैब इज वेजिटेबल ऑफ द सी, खा सकता है, अलाउड है, मैं बोलता हूँ तेरे को, खाली क्रैब खा ले यार, बस कट।